अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने मॉडल्स डिस्कस करने हैं वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के। पहले हमने वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को डिस्कस किया था कि किस तरह है। आज हमने डिस्कस करने हैं मॉडल्स, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के कौन कौन से मॉडल्स हैं, किस तरह यूज। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? भला कोई मुझे टेक्स्ट करके बताए कि मुझे स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं हो रही आप लोगों को? ठीक है, मेरा ख्याल है अब हो रही है स्क्रीन शेयर। अब हो रही है स्क्रीन शेयर? चल ठीक है। अच्छा, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के मॉडल्स को हमने देखना है कि किस तरह वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के कौन कौन से मॉडल्स हैं और किस तरह हम इनको यूज करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जस्ट लाइक वाटरफॉल, सिक्वेंशियल पाथ एग्जीक्यूशन, टेस्टिंग पैरेलल विद डेवलपमेंट, कि तीन इसके हैं कि एक तो वाटरफॉल जैसा है, ठीक है, बिल्कुल ही वाटरफॉल जैसा है उसका के वर्किंग जो है उसकी, देखते हैं कि हम ये क्या है। सेकेंड है सिक्वेंशियल पाथ एग्जीक्यूशन, थर्ड है टेस्टिंग पैरेलल विद डेवलपमेंट, की टेस्टिंग पैरेलल किस तरह करते हैं विद डेवलपमेंट की, ठीक है। सब ये देखें डिफरेंट, अगर आप लोगों को डायग्राम क्लियर नजर आ रही हो तो ये देखें। रिक्वायरमेंट एनालिसिस सबसे पहले, फिर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, फिर हाई लेवल डिजाइन, और फिर उसके बाद है डिटेल डिजाइन प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन का, ठीक है। ये इसके स्टेप्स हैं। इधर से यूजर एक्सेप्टेंस होगी हमारे टेस्टिंग की है, ये पहले सबसे पहले हमारे पास ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगी। उसके बाद हमारा फंक्शनल स्पेसिफिकेशन होगी, जैसे फंक्शनल हमारी स्पेसिफिकेशन होगी, जितनी भी हमारे फंक्शन है उनको स्पेसिफाई कर लेगा ये फंक्शन हमने वो करने, ये सारे वेरिफिकेशन के फेजिज है। वेरिफिकेशन के फेजेस में पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन हो गई, और फिर हमारा हाई लेवल डिजाइन, कि हमने डिजाइन एक दफा हाई लेवल का बना देना है कि हमारा डिजाइन किस तरह का है और किस टाइप का डिजाइन बनाना है, उसमें कहाँ कौन कौन से स्टेप्स होंगे, ये हाई लेवल का डिजाइन, ये फुल फ्लेज हमारा फाइनल डिजाइन होगा, वो वाला डिजाइन हमने यूज करना है। फिर हमने डिटेल डिजाइन के प्रोग्राम स्पेसिफिक किसको, इसके फौरन बाद हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दें, डेवलपमेंट स्टार्ट कर दें, जो कि स्पेसिफाई करे बिल्कुल डिटेल डिजाइन के। डिटेल डिजाइन होता है कि एक आप पहले मैप बनाते हो, डिटेल डिजाइन होता है कि आप उसकी एक एक चीज को स्पेसिफाई करते हो कि ये जैसे कोई घर का मैप है उसमें वॉशरूम कहाँ है, उसके रूम्स कहाँ है, उसका किचन कहाँ है, एक फिर उसकी किचन की विड्थ, हाइट, लेंथ, सब कुछ। इस तरह जब आप सिस्टम क्रिएट करते हो तो उसका एक हाई लेवल डिजाइन बनता है, उसके बाद डिटेल डिजाइन के उसमें हर एक एक फीचर की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है कि ये फीचर्स यहाँ पे ये वर्क करेगा, ये फीचर्स यहाँ पे लगेगा, इसका इंटरफेस इस तरह का होगा, इसकी डेवलपमेंट इस तरह की होगी, तो उसका कंप्लीट एंड फुल फ्लेज जो है डिटेल डिजाइन जो होगा वो हमारे लिए इसमें यूज होगा, डिटेल डिजाइन। उसके बाद फिर हम कोड करते हैं कि हमारी कोडिंग होगी। ये थे पार्ट्स हमारे वेरिफिकेशन के। ये हमने वेरिफिकेशन फेजेस कौन कौन से, उसके चार स्टेप्स हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, हाई लेवल डिजाइन एंड डिटेल डिजाइन प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन। फिर आ जाती है कोडिंग। कोडिंग के बाद हमारा जब काम होता है फिर वैलिडेशन का स्टार्ट होता है, उसमें हमारी टेस्टिंग होती है। सबसे पहले हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं, यूनिट बाय यूनिट डिफरेंट चीजों को, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, फिर सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, फिर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, के यूजर ने इसके फीचर्स को, इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया है, उसने इसकी तमाम टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है, उसको इसमें कोई बग, कोई एरर, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, तो वहां से उन्होंने इसको फुल फ्लैश ओके करना है। दैट इज वैलिडेशन फेजेस, ठीक है। दिस वन इज, ये वाले जो है ये देख रहे हैं आप वेरिफिकेशन फेजेस हैं और ये हमारे वैलिडेशन फेजेस हैं। इन दोनों को लिंक कर रहा है कोड, कोडिंग के साथ हम लिंक करेंगे। अब देखें, देखते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग है, वो क्या है, डिजाइन कंपेटिबिलिटी विद अदर मॉड्यूल्स इन द सिस्टम आर्किटेक्चर, कि हमारा जो सिस्टम का आर्किटेक्चर है उसकी कंपेटिबिलिटी देखते हैं, जो डिजाइन हमने बनाए हैं उनके दूसरे मॉड्यूल्स के साथ, के हमारे डिफरेंट फीचर्स हैं दूसरे फीचर्स के साथ, हम उनकी कंपेटिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। सेकेंड है इंटीग्रेटेड केटेड टेस्टिंग प्लान, उसमें क्या कहता है, सिस्टम डिजाइन इज ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू मॉड्यूल टेकिंग ऑफ डिफरेंट फंक्शनैलिटीज, कि सिस्टम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। जब उसको ब्रेक डाउन करते हैं
फिर उसकी स्पेसिफिकेशन करते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं ताकि हमारा ईच एंड एवरीथिंग टेस्ट हो, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है सिस्टम टेस्ट प्लान, उसमें क्या करते हैं, अंडरस्टैंड एंड डिटेलिंग द कंप्लीट हार्डवेयर एंड कम्युनिकेट सेटअप ऑफ द सिस्टम, जिसमें हम क्या करते हैं कंप्लीट अपने हार्डवेयर को चेक करते हैं, कम्युनिकेट करवा के देखते हैं, सिस्टम के सेटअप को चेक करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग फुल फ्लेज है, ये फाइनल ऑलमोस्ट फाइनल होता है जब हमारा सिस्टम का टेस्ट प्लान होता है। सिस्टम का टेस्ट प्लान का या सिस्टम टेस्ट इसलिए होता है कि उसकी कम्युनिकेशन देखें, नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन हो रही है उसकी, आपके सिस्टम के साथ हो रही है, उसका सेटअप ओके है, वो इंस्टॉल हो रहा है, वो डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉलेशन हो रही है उसकी, ईच एंड एवरीथिंग उसकी फंक्शनलिटीज ओके है, ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में द प्रोडक्ट रिक्वायर नीड टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम द कस्टमर परस्पेक्टिव, कि कस्टमर को समझ आना जाना चाहिए। अब आप लोगों ने, अगर कोडर है उसने डेवलपमेंट कर दिया अपने लिहाज से, कस्टमर को समझ नहीं आ रही, यूजर को उसकी समझ नहीं आ रही, जो यूजर जिसने यूज करना है, तो कस्टमर के परस्पेक्टिव के लिहाज से भी अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि ये कस्टमर जो है अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, उसका परस्पेक्टिव ठीक है, उसको समझ आ रही है चीजें, उसको फीचर समझ आ रहे हैं, उसको फंक्शन सारे समझ आ रहे हैं। अगर उसको समझ ही नहीं आ रहे तो उसके कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें टेस्टिंग, वो अपने लिहाज से टेस्टिंग करेगा, हर फीचर को यूज करके देखेगा, अगर उसको कहीं समझ नहीं आ रही तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेवेलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको देखे, वो अंडरस्टैंड करे। तो इस वजह से एक्सेप्टेंस की यूजर ने बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया, उसको हर फीचर समझ आ रहा है, उसने हर चीज को देख लिया, तो दैट इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के फेजेस थे। नेक्स्ट में हम चलते हैं वेरिफिकेशन फेजेस। अब उसमें वेरिफिकेशन फेजेस में जैसे हमने डिस्कस किया कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस थी हमारी, फंक्शन स्पेसिफिकेशन थी, सिस्टम डिजाइन था, आर्किटेक्चर डिजाइन, सिस्टम फंक्शनल जब हम उसकी स्पेसिफिकेशन करेंगे उसमें हमारा सिस्टम का डिजाइन आ जाएगा, जो हम सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं उसका डिजाइन सारा आ जाएगा। आर्किटेक्चर डिजाइन की जब बात करेंगे तो उसका हाई लेवल डिजाइन, यानी उसका आर्किटेक्चर होगा, उसके इंटरनल जो भी फंक्शन होंगे, इंटरनली उसकी आर्किटेक्चर किसके साथ क्या कनेक्शन होगा, उसका इंटरनल जितना बिल्डअप होगा वो सारा हमारा आर्किटेक्चर डिजाइन में होगा। और फिर डिटेल डिजाइन, उसमें लो लेवल डिजाइन होता है। ये अब सिस्टम डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन और लो लेवल डिजाइन, तीन डिफरेंट डिजाइन है। सिस्टम डिजाइन आ जाता है फंक्शनल में, हाई लेवल डिजाइन आ जाता है आर्किटेक्चर में, और लो लेवल डिजाइन डिटेल डिजाइन में। कि सबसे लो लेवल के, लो लेवल डिजाइन की हमने उसमें एक एक चीज को डिस्क्राइब किया हुआ, एक एक चीज को, कि वो हमने उसकी लोएस्ट लेवल पे जाके उसको चेक किया, ठीक है। एक मोबाइल है, उसका लोएस्ट लेवल की आप चेकिंग किस तरह कर सकते हैं, मोबाइल फंक्शनल टेस्टिंग, आपने इसके फंक्शंस व्हाट्सएप आपने क्या किया, उसकी कॉल करके देखी आवाज आ रही है, हैंड फील करके देखी ओके फाइन, टच चेक किया, ये इसकी फंक्शनल स्पेसिफिकेशन होगी डिजाइन की। इसके बाद आपने आर्किटेक्चर डिजाइन की, आपने इसको देखो कि आर्किटेक्चर किस तरह का बना हुआ, इसका कलर, इसके हेडफोन लगाने की कहाँ पे लगी हुई जगह, इसकी और दूसरी जगह कहाँ पे चीजें कहाँ पे लगी हुई है, इसकी डिफरेंट पार्टी जो है आपके मोबाइल की स्पीकर्स कहाँ लगे हुए, ये इसके हो गया आर्किटेक्चर। लो लेवल डिजाइन होता है कि आप मोबाइल को खोल लो, ठीक है, उसकी बैटरी निकाल लो, उसकी सिम्स लगा के चेक करो, उसमें एसडी कार्ड डाल के देखो, उसकी ईच एंड एवरीथिंग आप चेक करो, डेट इज डिटेल डिजाइन, मतलब कि टेस्टिंग होती है। तो डेट इज द फेज ऑफ वेरिफिकेशन। आगे है वैलिडेशन फेज। वैलिडेशन फेज में अब चार जो टेस्टिंग के नियम हमने बताए थे वो है, एक यूनिट टेस्टिंग, दूसरा है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, थर्ड है सिस्टम टेस्टिंग और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ वी मॉडल, यानी वी मॉडल का क्या मतलब है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। अब इन मॉडल्स की एडवांटेजेस क्या है, सिंपल एंड इजी टू यूज, ये सबसे पहले कि बहुत सिंपल होते हैं और इनको यूज करना बहुत आसान होता है। दूसरा है इसकी टेस्टिंग एक्टिविटीज हैपन वेल बिफोर कोडिंग, ये जो टेस्ट इसकी एक्टिविटीज होती हैं वो कोडिंग से पहले एक्टिविटीज ऑलमोस्ट टेस्टिंग हो जाती हैं इसकी एक्टिविटीज की, इसमें कौन कौन सी फंक्शंस होंगे, वो किस तरह वर्कआउट करेंगे, इसमें किस तरह की इनपुट आ रही है, इसमें किस टाइप की आउटपुट आ रही है, तो ये सारी चीजें आपकी साथ साथ कवर हो जाएंगी। सेव टाइम, हमारा टाइम बच जाता है, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सिस्टम है हम उसको बनाते हैं, ठीक है, जब हम उसको बनाने के बाद
उसकी टेस्टिंग नहीं करते, उसकी वेरिफिकेशन नहीं करते, उसकी वैलिडेशन नहीं करते, कस्टमर को थमा देते हैं, कस्टमर चलाता है उसको तो वो क्रैश कर जाता है। तो क्या होगा, हमारी 6 महीने में जो अगर प्रोडक्ट बनी है, हमारी 1 साल में प्रोडक्ट बनी है, उस पर टीम हायर की हमने, रिसोर्सेज यूज किए, टाइम लगाया, सारी बेकार, बिल्कुल जाया, वो हमारी क्या होगी, वेस्ट हो गई, बिल्कुल वेस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि हमने ना तो उसकी स्पेसिफिकेशन की थी, वेरीफाई किया था उसको, ना हमने उसको वैलिडेट किया, ना हमने उसकी टेस्टिंग सही तरह से की, और कस्टमर को थमा दी। जब हम उसके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप चीज को चेक करते जाएंगे ना, वेरीफाई करते जाएंगे हर चीज को, ठीक है, वैलिडेट करते रहेंगे हर चीज को, तो हमारे साथ, तो हमारा क्या होगा कि है, हमारी जब वेरिफिकेशन और वैलिडेशन जब हम करते रहेंगे साथ साथ, तो हमारे एरर्स नहीं आएंगे, बग्स नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो थर्ड है प्रोएक्टिव डिफेक्ट। समटाइम्स प्रोएक्टिव डिफेक्ट के हमें एक्टिव होने से पहले ही कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, कुछ उसमें ऐसे डिफेक्ट्स आते हैं कि वो एक्टिविटी में उसको प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसका ये क्या है कि हमारा जो है उसकी एक्टिविटी में, वो पहले ही हम जब हम उसकी वैलिडेशन करते हैं तो हमारी वो भी डिफेक्ट दूर हो जाती है। फिर हमारा अवॉइड द डाउनवर्ड फ्लो ऑफ द डिफेक्ट, कि हमारा जो डाउनवर्ड इफेक्ट है, फ्लो जो हो रहा है, उससे भी बच जाते हैं हम, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे पहले पहले बच जाते हैं। वर्क वेल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, और ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है, बहुत आसानी से ये हमारा वो काम करता है, इजीली वर्क करता है, वर्क जो होता है इसका बहुत अच्छे से और छोटे प्रोजेक्ट के लिए ईजी होता है। अब इसका डिसएडवांटेज जो वी मॉडल का है, वेरी रिजिड एंड लीस्ट फ्लेक्सिबल। अब ये रिजिड होता है और लीस्ट फ्लेक्सिबल, के इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है कि इसको इतना ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। फिर है नो अर्ली प्रोटोटाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर, की एक प्रोटोटाइप जो है सॉफ्टवेयर की अर्ली प्रोटोटाइप नहीं होती। चेंजेस इन टेस्ट डॉक्यूमेंट, ये हमारे टेस्ट डॉक्यूमेंट में चेंजिंग्स अगर कर सकते हैं हम, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। फिर हमारी सारी डॉक्यूमेंटेशन चेंज होती है, लैक अडेप्टेबिलिटी इसमें नहीं होती, एक चीजों की एक्सेप्टेंस अडेप्ट करने की, कोई अगर चेंजिंग्स आ गई है, मेंटेनेंस आ गई है, उसको ये अडेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसकी ये इसका नुकसान है कि ये अडेप्टेबिलिटी इसमें नहीं है। अडेप्टेबिलिटी समटाइम्स को कहते हैं कि ऐसे फीचर सिस्टम में जो के स्पेशल होते हैं और डिफरेंट डिसिप्लिन में वो यूज हो रहे होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अडेप्ट नहीं कर पाते चीजों को, लिटिल डिक्शनरी अगर उसमें चेंजिंग्स आ जाए तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है, उनको लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी। आगे है टाइमलाइन रिस्ट्रिक्शन। अब इसमें रिस्ट्रिक्शन टाइमलाइन बनी हुई है ना, अब ये देखिए ये डिफरेंट टाइमलाइंस है कि ये काम ये होगा, फिर ये होगा, इतने में होगा, फिर ये होगा, फिर ये, उसके बाद कोडिंग होगी, फिर टेस्टिंग में यूनिट टेस्टिंग होगी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये टाइमलाइन हमारे पास एक बनी हुई है, ठीक है। तो इससे क्या होगी कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कि हमने इन्हीं टाइमलाइन में ये स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। अब ये नहीं है कि हम क्या करते हैं कि ये वाला स्टेप कर लें उसके बाद हम ये लास्ट वाला स्टेप करें, दरमियान से ये स्किप कर दें, नो, हमें हर स्टेप वाइज, यूनिट टेस्टिंग में भी हम यही करेंगे कि हर टेस्ट हमने लाइन वाइज और स्टेप बाय स्टेप करना है। तो हमारे लिए ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। अब ये देखें रिलेटिव कॉस्ट टू फिक्स बेस्ड ऑन टाइम डिटेक्शन। अब ये देखें रिक्वायरमेंट, ये टाइमलाइन है, अगर आप देखें कि रिक्वायरमेंट आर्किटेक्चर को इतना टाइम लगा, इतने कोडिंग को इतना टाइम लगा, फिर इंटीग्रेट कंपोनेंट टेस्टिंग को इतना टाइम लगा, सिस्टम एक्सेप्टेंस को इतना टाइम लगा, और प्रोडक्ट पोस्ट रिलीज होने में इतना टाइम लगा। फिर जाके ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के, उनके रिसोर्सेज से ये थोड़ा सा मिला कि उन्होंने ये रिसर्च की थी, डिफरेंट परफॉर्मर्स के थ्रू सर्वे किया था, और रिसर्च से उन्होंने अपना ये बताया कि इतना ये नेशनल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, ये उनके स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज से हमें ये रिसर्च पता चली है कि इतना इतना टाइम लगता है, कि सबसे कम रिक्वायरमेंट के आर्किटेक्चर लगता है, कोडिंग को भी इतना कम टाइम लगता है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन को कोडिंग से ज्यादा टाइम लगता है हमारी टेस्टिंग को, ठीक है। फिर सिस्टम की एक्सेप्टेंस को, यानी यूजर की सिस्टम एक्सेप्ट हो रहा है उनको, उससे भी ज्यादा टाइम लगता है,
और सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा कॉस्ट हमारी जो इफेक्टिव है वो हमारी किसको लगती है, प्रोडक्शन की रिलीज को, पोस्ट रिलीज। और रिलीज होने के बाद रिव्यूज, उसकी क्यूरीज को सोल्व करना, उसकी मेंटेनेंस को बरकरार रखना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटीज को, उसकी रिलायबिलिटी को, आपने हमने सिस्टम सिक्योरिटी में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ये चीजें पढ़ी थी, याद है आपको, कि सारी चीजें मेंटेन करना, रिलायबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, हर चीज को ध्यान रखना हमारे लिए आसान होना चाहिए। तो इस वजह से हमारी रिलीज पे ज्यादा टाइम लगता है। आगे प्रोजेक्ट बेस्ड ऑफ वी मॉडल, प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन वी मॉडल यानी वेरिफिकेशन वैलिडेशन प्रोजेक्ट बेस्ड कौन से होते हैं, सीट फॉर रिस्ट्रिक्टिव प्रोजेक्ट। ये किस पे सूट करता है, हमारे रिस्ट्रिक्टेड प्रोजेक्ट्स पे सूट करता है, ड्यू टू स्ट्रिंगेंट नेचर ऑफ द वी मॉडल एंड इट्स लीनियर डिजाइन। कि जो हमारे वी मॉडल यानी वेरिफिकेशन हो उसमें वैलिडेशन हो और लीनियर डिजाइन हो, आसान हो, इम्प्लीमेंटेशन उनकी, उनके टेस्टिंग फेजेस डिफरेंट, ये हमारे टू द पॉइंट हो, ठीक है। उसके बाद है हमारे इन सिचुएशन वेयर द प्रोजेक्ट लेंथ एंड स्कोप आर वेल डिफाइंड, जहां पे हमारी सिचुएशन जो है और प्रोजेक्ट लेंथ जो है, स्कोप जो है, बहुत ज्यादा अच्छे से डिफाइन किए होते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी स्टेबल होती है, वहां पे हमारी डॉक्यूमेंटेशन और डिजाइन स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा क्लियर होती है। यहाँ पे हमारी इस वहां पे हम स्पेसिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमने वेरिफिकेशन की होती है, डॉक्यूमेंटेशन आसान से कर सकते हैं, एंड द वी मॉडल कैन बी ग्रेट मेथड। ये सबसे बेस्ट मेथड है, वेरिफिकेशन वैलिडेशन को वी मॉडल कहते हैं, और ये वी मॉडल सबसे बेस्ट है किसी भी सिस्टम को डेवलपमेंट से रिलीज तक का, इवन एक आइडिया से लेकर जब आप फाइनल ये प्रोजेक्ट लेट फोर्थ आप करेंगे तो उसके लिए भी ये आप लोगों को बहुत हेल्पफुल है। कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने सिस्टम की वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन में आप लोगों की चार चीजें, सिस्टम एनालिसिस करनी है, आपने इसकी फंक्शनल डिजाइनिंग करनी है, फिर उसने आप लोगों ने आर्किटेक्चर डिजाइन करनी है, फिर आप लोगों ने उसकी डिटेल डिजाइन करनी है। डिटेल डिजाइन जब आपका माइंड में बिल्कुल फुल फ्लेज आइडिया ओके हो जाएगा कि अच्छा हमने ये बनाना है, फिर आपने कोडिंग स्टार्ट करनी, और कोडिंग के बाद स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट आप लोगों ने टेस्टिंग करनी होती है। ये टेस्टिंग टेक्निक्स लाजमी होती हैं क्योंकि फिर जब आपकी एंड टाइम पे अगर कोई एरर आता है तो उसको हैंडल करना ज्यादा मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे लिए वैलिडेशन और वेरिफिकेशन बहुत बेनिफिशियल है, इस वजह से वो कह रहे हैं कि वी मॉडल जो है वो बेस्ट है। अगर वी मॉडल एप्लीकेशन, अब हम वी मॉडल की एप्लीकेशन देखते हैं कि वी मॉडल की कौन कौन सी एप्लीकेशन है। रिक्वायरमेंट्स आर वेल डिफाइंड, क्लियरली डॉक्यूमेंट एंड फिक्स्ड। रिक्वायरमेंट जो होंगी हमारी बहुत अच्छे से डिफाइंड होंगी, क्लियरली डॉक्यूमेंट और फिक्स्ड होंगे, और फिक्स होंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजी इज नॉट डायनेमिक एंड इज वेल अंडरस्टूड बाय द प्रोजेक्ट टीम। जो भी प्रोजेक्ट टीम इस पे काम कर रही है उनको टेक्नोलॉजी के बारे में कंप्लीट होना होनी चाहिए, कंप्लीट ना होनी चाहिए, उसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती वो टीम काम नहीं कर सकती, सिर्फ कंप्लीट टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर हमारा नो एम्बिगुअस और अनडिफाइंड रिक्वायरमेंट, कि हमारी एम्बिगुअस जो है कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, और कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं जो अनडिफाइंड हो, जो डिफाइंड ही ना की हो, जिसकी आप लोगों ने उसको बताया ना होगा ये रिक्वायरमेंट किस चीज की है। हर रिक्वायरमेंट जो है, हर फीचर जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये वाला फीचर ये काम कर रहा है, ये वाला चाहे वो छोटा सा एक बटन ही क्यों ना हो, आपको उसकी उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो है चीज हमने, चाहे आपने एक लाइन ही लगाई है उस सिस्टम में, तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि अच्छा ये वाला काम, ये वाला फीचर, ये वाली रिक्वायरमेंट इस चीज को हैंडल कर रही है। आगे है चूजन व्हेन एम्पल टेक्निकल रिसोर्सेज आर अवेलेबल विद नीडी टेक्निकल एक्सपर्टीज। अब इसमें वो कह रहे हैं कि हमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी जरूरत होती है। आप देखें इसके लिए एक पूरी एक टीम हायर होती है, ठीक है। जब हम टीम को हायर करते हैं तो उसको उस टीम का काम क्या होता है कि वो टीम उस थारी जितनी भी उसको नीड्स होती हैं, टेक्निकल नीड्स होती हैं, वो रिसोर्सेज होती हैं, वो उनको इकट्ठा करता है, टेक्निकल रिसोर्सेज हो, ठीक है, फिर उनको चूज करता है, उसकी कोर्ट को कॉस्ट को एवेल्युएट करता है कि कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। अगर तो वो कॉस्ट रेंज उस विद इन द कस्टमर के या यूजर के जो उन्होंने बताई होती है उसमें काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर आपको अपनी थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज करना पड़ता है, या तो आपको रिसोर्सेज थोड़े कम वाले यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें कॉस्ट को भी मैटर रखना पड़ता है, ठीक है। वेरिफिकेशन हो रही है, वैलिडेशन हो रही है, उसमें जो कॉस्ट हो रही है वो भी हमारे विद इन द बजट हो, तो हमें जो भी रिसोर्सेज, टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल हो या टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, वो हमारे सारे
हमें देख के सोच समझ के चूज करने चाहिए कि हम किस तरह के चूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा वेरिफिकेशन और इसका मॉडल था। और यहाँ पे मैंने एक चीज आप लोगों को, लिमिटेशंस जो मैंने यहाँ पे देखी, लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल वेरिफिकेशन, इसकी लिमिटेशंस क्या है, हमारी फॉर्मल वेरिफिकेशन की लिमिटेशंस क्या है, ये मैं आप लोगों के साथ फाइल शेयर कर दूंगी, ठीक है। वर्ड पे करके थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा जी, इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। फॉर्मल वेरिफिकेशन ऑल द ऑफरिंग एग्जॉस्टिव चेकिंग ऑन प्रॉपर्टीज बाय नो मीन्स गारंटीज कंप्लीट फंक्शनल करेक्टनेस ऑफ डिजाइन। अब बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारी वेरिफिकेशन को देखते हैं, दीज फैक्टर इसमें इंक्लूड होते हैं, जिसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हम बहुत सारे फैक्टर्स यूज कर लेते हैं, बहुत सारी चीजों को यूज कर लेते हैं, लेकिन उन चीजों को यूज करने के लिए अब हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स के लिए लिमिटेशंस भी होते हैं कि हमने कौन कौन सी लिमिटेशंस यूज करनी है। अब सबसे पहले है एरर इस इन स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन में एरर एंड इम्प्लीमेंटेशन वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड टू वर्जन ऑफ डिजाइन। इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए हमें टू डिजाइन के वर्जन की जरूरत होती है। देयरफॉर अ बग इन स्पेसिफिकेशन वॉइड्स इज रेफरेंस मॉडल, कि जो अगर कोई बैग आ जाए हमारे में तो मॉडल में, तो उससे क्या होगा, वो हमारे पास एक रेफरेंस मॉडल होगा कि अच्छा ये बग आ गया, अब इस तरह की इस इश्यू से ये बग आया था, अब मुझे ये वाला प्रॉब्लम दोबारा नहीं चाहिए। तो हम उसको दोबारा से उस तरह की कोडिंग या उस तरह की डिजाइनिंग को चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाता है क्योंकि कि हमें इस वजह से एरर आ रहा है। एंड आगे कह रहे हैं कि देयरफॉर अ बग स्पेसिफिकेशन वॉइड टू रेफरेंस मॉडल मे एस्केप इम्प्लीमेंटेशन वेरिफिकेशन एंड मे टिकल ट्रिकल डाउन टू द इम्प्लीमेंटेशन। तो हम क्या करते हैं, अपनी इम्प्लीमेंटेशन उस इम्प्लीमेंटेशन से बच जाते हैं, यानी इम्प्लीमेंटेशन के वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को चेंज कर लेते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं हम अपने डिफरेंट स्पेसिफिकेशन जो भी हमारी मिसिंग होती हैं या जिस रिसोर्स की वजह से वो एरर आता है उसको हम एड ऑन कर लेते हैं। सेकेंड हमारे पास लिमिटेशन है इसकी, इनकम्प्लीट फंक्शनल कवरेज ऑफ स्पेसिफिकेशन। हमें इनकम्प्लीट फंक्शनल स्पेसिफिकेशन के लिए इनकम्प्लीट फंक्शनल फंक्शन नहीं चाहिए होते, हमें फंक्शंस हमें कंप्लीट चाहिए। फॉर्मल मेथड वेरीफाई प्रॉपर्टीज दैट ऑफ कोर्स कैन बी स्पेसिफिकेशन, जो फॉर्मल मेथड्स हैं हमारे उनको भी हम वेरीफाई करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज से, डिफरेंट स्पेसिफिकेशन से। अगर हम प्रैक्टिस में लाए तो कह रहे हैं कि इट इज रेयर दैट ऑल स्पेसिफिकेशन आर गिवन टू फॉर्मल चेकर ऑन द कंप्लीट डिजाइन। तो हम क्या करते हैं कि ये भी जरूरी है कि हम कंप्लीट अपना फॉर्मल चेक करें, कंप्लीट चेक एंड बैलेंस रखें, ठीक है, ताकि हमारा रन टाइम और जो मेमोरी है उसकी लिमिटेशन रहे, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अ पार्शियल डिजाइन जो डिफरेंट, अ पार्शियल स्पेसिफिकेशन इज चेकिंग अगेंस्ट द रेलेवेंट पोर्शन ऑफ डिजाइन, जो भी हमारा रेलेवेंट पोर्शन ऑफ डिजाइन होता है वहां पे हम कोई भी अगर पोर्शन की टेस्टिंग कर रहे हैं तो वहां पे हम उसकी पार्शियल स्पेसिफिकेशन चेक चेक करें कि अगेंस्ट उस पोर्शन के डिजाइन के स्पेसिफिकेशन की साइज चेक करें कि उसके फीचर्स कंप्लीट है, कलर यही करना था हमने, इंटरफेस यही बनाना था, यहाँ पे बटन यही लगाने थे, तो उसकी कंप्लीट डिजाइन को देखना पड़ेगा। देयरफॉर इट लीव्स द डोर ओपन टू एरर रिजल्टिंग, इस वजह से वो क्या कह रहे हैं कि ये क्या करता है, डोर ओपन टू एरर रिजल्टिंग फ्रॉम नॉट चेकिंग ऑल प्रॉपर्टीज मैंडेटेड बाय स्पेसिफिकेशन फ्रॉम सिचुएशन व्हेन फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी सक्सीड एंड सब सर्किट, ये है सब सर्किट बट डज नॉट सक्सीड टू द होल सर्किट। ये कह रहे हैं कि कुछ सर्किट के कुछ कुछ पार्ट्स को वो चेक करते हैं, कंप्लीट पार्ट्स को नहीं, पूरे सर्किट को नहीं, यानी जो हम सिस्टम बना रहे हैं उसके कंप्लीट सिस्टम को नहीं देखते, वो उसके कुछ कुछ पार्ट्स को, सब पार्ट्स को वेरीफाई करते हैं और वैलिडेट करते हैं। अच्छा, थर्ड है यूज एरर्स, डिफरेंट एरर्स को भी यूज करें कि अच्छा ये मैंने करके देखा इससे ये एरर आ रहा है, अच्छा ये करूंगी तो ये क्या एरर आएगा, तो हमें उन एरर्स, क्योंकि हम जैसे हम कहते हैं कि हम गलतियों से सीखते हैं, इस तरह सिस्टम में अगर एरर साथ साथ आते हैं और हम उनका वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं, वैलिडेशन कर रहे होते हैं, तो उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। एग्जाम्पल, यूजर एरर्स आर इनकोरेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर स्पेसिफिकेशन एंड ओवर कंस्ट्रेनिंग द डिजाइन, कि हमारे डिजाइन को ओवर कंस्ट्रेनिंग करने की भी जरूरत होती है, कि वो कह रहे हैं कि हमें एरर्स
इनकोरेक्ट जब चीज होती है तो वो हमारी स्पेसिफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी स्पेसिफिकेशन में प्रॉब्लम है, तो वो हमारी डिजाइन को बेहतर बनाने में हमारी हेल्प आउट करती है। तो इस वजह से हमें स्पेसिफिकेशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे है फॉर्मल वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर बग। अब क्या है, हमारी अगर फॉर्मल वेरिफिकेशन हमारी हो गई है, उसमें हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में बग आ गई, यानी एरर आ गया कोई, बग इज फॉर्मल वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर कैन मिस डिजाइन एरर एंड दस गिव फॉल्स कंफर्मेशन। उससे क्या होता है, हमारी फॉल्स कंफर्मेशन होती है कि हमें पता है हमारी वेरिफिकेशन जो होती है ना वो ठीक नहीं आ रही होती है, और हमारा जो डिजाइन है मिस डिजाइन हो रहा था और उससे एरर आता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में भी हमारी वेरिफिकेशन में बग आ गया। तो वो क्या होगा कि वो उल्टा चलना शुरू हो जाएगा, सही हमें रिजल्ट देने के बजाय हमें गलत रिजल्ट देगा, और उसी को हमें पता नहीं चल रहा होगा कि ये ठीक है कि नहीं। तो उससे क्या होगा कि हमें सॉफ्टवेयर के बग को भी रिजोल्व करना पड़ेगा, हमें लिमिटेड रखना पड़ेगा कि इसमें बग ना आए। आगे वो कह रहे हैं, इट इज वेल नोन डेट देर इज नो गारंटी फॉर अ बग फ्री सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। या उसके वो कह रहे हैं कि इस चीज की तो गारंटी नहीं है कि हमारे पास बग फ्री कोई सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, कि बग फ्री सॉफ्टवेयर हो, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो वो हमारे पास बग फ्री सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम जो अपनी जो उसको जो भी इश्यूज हैं उसको सोल्व करें साथ साथ, ठीक है। तो ये हमारी ये चार लिमिटेशन थी वेरिफिकेशन के लिए, सॉरी हमारी वेरिफिकेशन के लिए ये चार लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हम इससे क्या होगा कि हमारी देख हम देख सकते हैं कि हम किस तरह लिमिटेड रह के अपनी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये मैं शेयर कर दूं यहाँ पे एक लास्ट स्लाइड से मुझे कुछ आप लोगों को ये स्पेसिफिकेशन के बेनिफिट्स बताने थे। बेनिफिट्स ऑफ फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, कि हम फॉर्मल स्पेसिफिकेशन जो मैंने भी बताया था कि उसको फॉर्मल स्पेसिफिकेशन करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या, फायदे क्या है कि हम क्यों करते हैं। हाई लेवल ऑफ रिजन एंड इनेबल टू सॉरी हाई लेवल ऑफ राइगर एनेबल्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, कि हम अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, उसमें कोई ना कोई बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर सकें कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। डिफेक्ट आर अनकवर्ड दैट वुड लाइकली गो अननोटिस्ड विद ट्रेडिशनल स्पेसिफिकेशन मेथड। ट्रेडिशनल स्पेसिफिकेशन मेथड में कुछ जो चीजें होती हैं वो हमें शो नहीं हो रही होती, वो भी वो अनकवर कर देता है कि इन डिफेक्ट से कि ये डिफेक्ट भी आ रहे हैं जो हमें समटाइम नजर नहीं आते, ठीक है। आगे है आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स अर्लियर इन लाइफ साइकिल, के लाइफ साइकिल में जो अर्लियर डिफेक्ट्स हैं वो भी हमारे शो हो जाते हैं, जो हमारे बहुत पहले आते हैं और हमने उनको नोटिस ही नहीं किया होता। और फिर कैन गारंटी द एब्सेंस ऑफ सर्टेन डिफेक्ट्स, और ये भी गारंटी है कि इन डिफेक्ट्स को खत्म भी हम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल स्पेसिफिकेशन की कुछ और बेनिफिट्स हैं, वो ये हैं, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज सिमेंटिक्स अलाउ चेक फॉर सेल्फ कंसिस्टेंसी ऑफ प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन, की हमारी प्रॉब्लम में कंसिस्टेंसी से जो सिमेंटिक्स आ रहे हैं, जो लैंग्वेजेस में जो एरर्स आ रहे हैं हमारी कोडिंग में, या सिमेंटिक्स के यूज कर रहे हैं उसमें अगर आ रहे हैं तो उसको भी ये चेक एंड बैलेंस रखता है। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन अनेबल फॉर फॉर्मल प्रूफ्स व्हिच कैन एस्टैब्लिश फंडामेंटल सिस्टम प्रॉपर्टीज एंड इनवेरिएंस, कि फॉर्मल जो स्पेसिफिकेशन है वो हमारी क्या अनेबल करती है, डिफरेंट फॉर्मल प्रूफ को जो हमने मॉडल देखे होते हैं उनके प्रूफ जो होते हैं उनकी एस्टैब्लिशमेंट और फंडामेंटल के लिए, कि ताकि उसमें जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको हम अपने सिस्टम में यूज कर सकें। आगे रिपीटेबल एनालिसिस मीन रीजनिंग एंड कंक्लूजन कैन बी चेक बाय कोलीग्स, हमारे पास जो भी कंक्लूजन आया है और रीजनिंग्स आई हैं हम डिफरेंट लोगों से, अपने कोलीग से या टीम से, टीम ने तो साथ डेवलपमेंट की होती है, जो वो लोग जिन्होंने कोई हेल्प नहीं की होती ना उनको वो चीज दिखाएं तो उनको शायद बग ज्यादा जल्दी से नजर आ जाता है। तो हम क्या करें कि रिपीट करने के लिए, एनालिसिस करवाने के लिए अपने कोलीग्स को भी इसको चेक करवाएं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, ताकि वो इजिली इसको देख सके और उसको चेक एंड बैलेंस कर सके, ठीक है। और इसमें क्या है, इनकरेज एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ सिस्टम, हमें सिस्टम का व्यू भी देखना चाहिए कि किस तरह का है, उसमें फोकसिंग फोकस किस तरह कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल व्यू हेल्प सेपरेट स्पेसिफिकेशन फॉर डिजाइन, डिजाइन के लिए उसकी स्पेसिफिकेशन और उसका फॉर्मल व्यू भी देखना होगा। इनहेंस एग्जिस्टिंग रिव्यू डिफरेंट रिव्यूज को, और जिसमें डिफरेंट डिग्रीज ऑफ राइगर हमने ऐड किया होता है उसको भी देखना था, ताकि हमारा जो डिफरेंट रिव्यूज हैं वो भी हमारे अच्छे आए हमारे व्यू के बारे में।
ये लिमिट फॉर्मल मेथड्स की जो हमारी हैं लिमिटेशंस क्या हैं, यूज एंड एड्रेस, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये लास्ट पे पॉइंट आएगा हमारा, इसको अभी वैसे मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी लेकिन अभी शेयर कर वो नहीं है आप लोगों के इसमें, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा समरी बता देती हूँ कि आज में जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया वेरिफिकेशन वी मॉडल को। वी मॉडल में दो चीज होती है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। इन दोनों को हम देखते हैं कि किस तरह वेरिफिकेशन हो रही है और किस तरह वैलिडेशन हो रही है, ठीक है। उसमें डिफरेंट सिस्टम से हमारे किस तरह हमने टेस्टिंग करनी है, कोडिंग से पहले हमारे जो स्टेप्स हैं, कोडिंग के बाद जो हमारे स्टेप्स हैं, इसके बाद हमारा जो सारा सिस्टम है वो बग फ्री हो जाता है, एरर उसके खत्म हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ ताकि जो आप लोगों के इश्यूज हैं उनको हम रिजोल्व करें, ठीक है।